हेलो हेलो भाई, गुड मॉर्निंग सबको। तो यार कल बड़ी अच्छी एक्सपायरी रही और लास्ट पूरे वीक यही व्यू था कि मार्केट बाउंस करेगा 18,000, 18,050। यहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा और कॉल राइटिंग तो मेरे ख्याल से 17,800 से लेके 18,200 सारे स्ट्राइक्स पे कर रखी थी, तो अच्छे खासे प्रीमियम इस एक्सपायरी में लिए। ठीक है यार, बहुत लोग डर रहे थे कि यार अभी नया हाई हो जाएगा, US मार्केट हाई जा रहे हैं, बट ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। मैं ये साइकिल्स देख चुका हूँ कि US मार्केट हाई जाते हैं भले ही, लेकिन निफ्टी अगर अपना टॉप मार चुका है, 4-5% नीचे आ चुका है, प्राइस एक्शन कुछ इस तरह का दिख रहा है, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे IT सेक्टर में बोलता रहता हूँ, तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं और उसी एक्सपीरियंस और कन्विक्शन के बेसिस पे ही मैंने कॉल राइटिंग की थी। अदरवाइज आई डोंट थिंक ना US मार्केट हाईज देख के बहुत लोगों में हिम्मत हुई होगी कॉल राइटिंग की या शॉर्ट करने की। तो एनीवेज कल अच्छा रहा दिन और आई होप सबने सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होगा। देख लेते हैं आज क्या हो सकता है, सीधा स्क्रीन पे ले चलता हूँ। अच्छा यार, ये थोड़ा सा मार्केट के बाद बारे में बात करें, उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग ICICI ज्वाइन कर चुके हैं मेरे थ्रू, ऑलरेडी एक ट्रेनिंग है, आई थिंक भेजा हुआ है, हाँ ये ट्रेड ड्रेसर की ट्रेनिंग है, आज सुबह है 11 बजे लाइव मार्केट में। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला था कि जो भी लोग ICICI ज्वाइन करेंगे मेरे थ्रू, मैं ICICI को बोलूँगा कि आप ट्रेनिंग्स दें अपने टूल्स पे, प्रोडक्ट्स पे, और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे डेरिवेटिव्स का अच्छा नॉलेज है, ठीक है, मैं सालों से वही कर रहा हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती उतनी, जैसे कि म्यूचुअल फंड हुआ, SIP हुआ, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के टूल्स हुए, तो ये सब क्योंकि ICICI ट्रेडिशनल ब्रोकर है, एक ज़माने में काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रोकर था, प्रीमियम ब्रोकर है, इनके ये प्रोडक्ट्स मतलब बहुत नॉलेज ICICI के पास है। तो मेरा यही है कि मैं जो लोग मेरे से कनेक्ट होते हैं, मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दूं। तो ये एक ट्रेनिंग है, लाइव मार्केट में रहेगी, देखते हैं क्या वो लोग बताएंगे, मैं खुद भी बताऊंगा जब लाइव आना शुरू करूंगा। बट ट्रेड रेसर इनका टर्मिनल है और ये काफ़ी मतलब वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट प्रीमियम टर्मिनल्स हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग ब्रोकर्स के अलग टर्मिनल्स होते हैं, बूम हुआ, डाइट हुआ, इसकी अपनी खासियत है। मैं एक्चुअली दिखाई देता हूँ ना, तो ये टर्मिनल है, इसमें ये एक व्यू है, दूसरे कुछ व्यूज होते हैं, मुझे खुद भी देखना पड़ेंगे कहाँ है। जो लोग देखते थे लाइव ट्रेडिंग, मोस्टली मैं वेबसाइट से करता था, बट इसके भी अच्छे टर्मिनल हैं। यहाँ पे RSI का चार्ट दिखता है, इंट्राडे वगैरह, इसमें जब आप लॉगिन करते हो तो तीन ऑप्शंस आते हैं, एनालिटिकल, डेरिवेटिव्स और एक और कोई आता है। ठीक है, तो जब आप एनालिटिकल में जाते हो तो यहाँ पे इंट्राडे का चार्ट दिखता है, यहाँ पे आप इंट्राडे जो हाई लो स्टॉक्स मार रहे हैं, लाइव स्कैनर, ट्रेंड स्कैनर, ये सब दिखता ही है, तो वो डिटेल में सब होगा आज ट्रेनिंग में। तो देखते हैं क्या सिखाते हैं ICICI में, और उसके ऊपर भी कुछ होगा तो मैं भी सिखाऊंगा। ठीक है यार, तो यही है कि जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, आप सब लोग ये ट्रेनिंग ले सकते हो, लाइव मार्केट में बात ही अलग है। ठीक है, मैं हमेशा ICICI को बोलता हूँ कि भाई आप लाइव मार्केट में ही दिखाओ, मैं अपने फॉलोअर्स बोलता हूँ कि मार्केट के बाद तो बंद ही कर दो लैपटॉप, कोई मतलब नहीं, लाइफ एंजॉय करो। ठीक है, तो ये 11 बजे है, मैं खुद भी रहूँगा इस ट्रेनिंग में, तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक कर सकते हो, टीम बता देगी कैसे करना है, मेरा कुछ लिंक रहेगा, उससे आप अगर अकाउंट ओपन करते हो तो मेरे अंडर रजिस्टर हो जाते हो आप एक्सचेंजेस में। ठीक है, और मेरा यही मोटिव है, मैं चाहता हूँ मेरे अंदर हज़ारों लोग रहें। आई थिंक मैंने बताया था वीडियो में, 2,500-3,000 लोग थे, बहुत लोग आ चुके हैं ऑलरेडी और बहुत लोग और भी आ सकते हैं, कुछ नए फॉलोअर्स भी हैं। बता देता हूँ मेरा ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं जो भी बेस्ट हो सकता है वो मैं करता हूँ। कल कुछ पोल्स किए थे टीम ने, तो
ये जो है ये मेरा ग्रुप है, इसमें मेरे अंडर जो भी रजिस्टर्ड है सबको टीम ऐड कर लेती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं मार्केट व्यूज़ है मॉर्निंग में या ड्यूरिंग द डे उस सब में शेयर करता रहता हूँ, और इसका ठीक ठाक फीडबैक लोगों को आ रहा है और जो भी वैल्यू हो सकती है। बट मैं ये चाहता हूँ मतलब लर्निंग प्लस अर्निंग हो, बट ICICI से भी हम जो नॉलेज ले सकते हैं वो सब लें उनके प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है यार। तो जिन्होंने नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेना, लिंक वगैरह टीम दे देगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में, तो कर लो। ये 2-5 मिनट में शायद अकाउंट ओपन हो जाता है, मेरे अंडर रजिस्टर्ड हो जाओगे, ये ग्रुप में आ जाना और ट्रेनिंग भी ये सब ले सकते हो आगे जो भी होंगी, ठीक है यार। तो ये ट्रेनिंग है लाइव मार्केट में, मज़ा आएगा, ठीक है। वही मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। SGX निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर है, US फ्यूचर्स वहीं हैं जहाँ कल थे, नैसडेक थोड़ा अपने लो के पास आ रहा है। IT स्टॉक्स ओपन के बाद थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखा सकते हैं, ठीक है। और IT स्टॉक्स गिरेंगे तो ही मार्केट नीचे आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला, ठीक है। जैसे कल देखा रिकवर भी कर लिया क्योंकि IT स्टॉक्स में नीचे से बाइंग आई थी, ठीक है यार। आज खास बात यह है कि यूरोप मार्केट्स वैसे तो अभी लो के पास हैं, बट एशिया में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, ठीक है। एशियन मार्केट काफ़ी ऊपर है, मतलब सब कुछ ग्रीन ही है। तो हम बहुत गिरे आज, इसके चांसेस कम लगते हैं, डिपेंड करता है कितना गैप अप ओपन होता है, बट 18,000 के आसपास मुझे अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। 18,000 के आसपास आया तो मैं डेफिनेटली इंट्राडे कॉल राइटिंग करूँगा, बट बहुत एग्रेसिव ट्रेड नहीं लूँगा। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि छक्के मारने के बाद स्लो हो जाने का धोनी की तरह, ठीक है, क्योंकि लंबा खेलना है, ठीक है। अफरीदी नहीं बनना है कि चौके छक्के मार के आउट। तो जिन लोगों ने प्रीवियस एक्सपायरी में कल अच्छा प्रॉफिट किया है, आज कुछ बहुत ज़्यादा ट्रेड मत करो, ठीक है। और 18,000 के पास ही आए, कुछ अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिले तो करो, या 17,800 के पास आए तो बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग कर सकते हैं। देखूंगा मतलब जो भी होगा मैं ये कुछ ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, और यूट्यूब पे तो मैं सारे ट्रेड्स अपडेट करता ही हूँ, ठीक है यार। तो ये देख के तो लगता है कुछ खास एक्शन नहीं होगा, बोरिंग मार्केट ही रहना चाहिए। कल ADRs भी ग्रीन ही थे मोस्टली, ICICI बैंक को छोड़ के। तो ये निफ्टी का है भाई, कल इसने अपनी ये कैंडल की आधी रिकवरी कर दी थी परसों तक, और कल एक्सपायरी डे पे लास्ट 3 या 4 एक्सपायरी ऐसी ही हुई हैं, नीचे ही आया है मार्केट। तो ये अपने इस कैंडल का लो कितना था, 17799, और कल भी 17798 यहीं पर ही है, रुका है, ठीक है। एक बार ये टूटे ना 17800 तो ये यहाँ पे जो बकरे फंसे हैं वो पेल दिए जाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत हो सकता है मार्केट और रेंज में ही रहे 2-4 दिन, टाइम तो कोई नहीं कर सकता, बट जो भी बाउंस आता है इंट्राडे में कोई एग्रेसिव पोजीशन मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन जो भी जब भी मुझे 18,000 के आसपास दिखेगा, या मैं ऑलरेडी एग्रेसिव पोजीशंस बना चुका हूँ दिसंबर सीरीज में, मार्च सीरीज में मेनली मेरी पोजीशन है मार्च की, और जनवरी दिसंबर इनमें आप स्प्रेड कर सकते हो, मतलब मैंने अपना रिस्क स्प्रेड किया है अगले 3-4 महीने के लिए। तो जब भी आएगा वहाँ पे मैं अच्छी खासी पोजीशन लूँगा, और मार्केट जब भी करेक्ट हो। अच्छा, कल एक पोल किया था कि ये जो 2 कैंडल है ना 30 अगस्त के आसपास बनी है, वीकली नहीं है डेली है, हाँ। तो ये जो है ना, इस कैंडल का हाई देखो तो 16722, और इस कैंडल का लो देखो तो 16764, तो ये 42 पॉइंट्स की रेंज है जहाँ पे एक भी ट्रेड नहीं हुआ है, ठीक है। और मार्केट की हिस्ट्री जाके देखो तो इस तरह के गैप मार्केट क्लोज कर ही देता है, तो ये तो आप मान के चलो मतलब देर सवेर आना ही है, 16700, 16800, ठीक है। ये जो गैप है ये फिल होना चाहिए, कब होगा राम जाने, अपन नहीं बोल सकते भी। डॉलर इंडेक्स हाई है, एक और ये चीज़ देख सकते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स के, यहाँ पर 10 DMA 17909, ठीक है, 17909 9, ये 10 DMA है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है गैप अप होने के बाद, बट ये अगर तोड़ दे
तो फिर समझो डायरेक्शन क्लियर है नीचे की। ठीक है भाई, यूएस मार्केट सॉरी यूएस डॉलर इंडेक्स, ये भी अपने हाई भरी है एकदम, 95 क्रॉस कर दिया, और इसके बारे में कल भी बात की थी। ये तो भाई वन वे मूव हो रहा है, और कोरोना क्रैश से काफ़ी कुछ रिकवर कर चुका है। ठीक है, तो इसका एक अलग स्टडी करो, इसके इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहते हैं इमर्जिंग मार्केट्स पे। ठीक है, ये बढ़ता तब है जब इमर्जिंग मार्केट से या दूसरे कंट्रीज से पैसा निकलता है। आप देखो तो FII इस पैसा निकाल ही रहे हैं। ठीक है, इसका बढ़ना मतलब लोग सारे इन्वेस्टमेंट्स स्पेशली इक्विटी इन्वेस्टमेंट से निकल रहे हैं और कैश में रहना प्रेफर कर रहे हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स के बारे में आप खुद स्टडी करो। ठीक है, ऑप्शन चेन वगैरह आज देखने का कोई मतलब नहीं है। और हाँ यार, कल कुछ ट्रेड्स किए थे, ये कल ये सब ये डबल हो गए थे ये ऑलमोस्ट। कल तो मतलब ज़बरदस्त दिन रहा, 18,100 पे प्रॉफिट बुक किया, 18,000 पे शिफ्ट किया, फिर 17,950 पे शिफ्ट किया, फिर वहाँ प्रॉफिट बुक के 17,900 कॉल में शिफ्ट किया कॉल राइटिंग में, फिर 17,850। मतलब मार्केट जैसे जैसे नीचे जाता रहा प्रीमियम्स सब लेते रहे, तो कल इतने प्रीमियम्स कलेक्ट कर लिए कि मतलब शायद 2 या 3 एक्सपायरी में होते हैं। तो अभी थोड़ा स्लो होने का है। ये वीक भी अच्छा ही रहा है, टीम ने कुछ पोल कराया है, ये कुछ 18,100 पे जब बाउंस मारा था निफ्टी ने, तो ये पुट भी ले लिया था वीकली का, ये भी ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा ही हो गया था कल। तो देखो तो 1 लाख से ज़्यादा, 50,000 से ज़्यादा, 10% ऑलमोस्ट 9-10% लोगों ने कमाया 10-25 के। इतना मोस्टली लोग छोटे ही ट्रेडर होते हैं तो इतना ही कमा पाते हैं, बट इतना भी बहुत बड़ा अमाउंट है यार, कुछ कॉस्ट में भी हैं कुछ लॉस में भी हैं। ठीक है यार, और बस यार वीडियो क्लोज करता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये ट्रेनिंग ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्या क्या फीचर्स हैं क्या नहीं है ये सब 11 बजे ये लोग लाइव मार्केट में बताएंगे। ठीक है, और जो लोग नहीं ज्वाइन किए हो मेरे अंडर वो कर सकते हो, जो सभी डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टीम आपको ऐड कर लेगी मेरे इस ग्रुप में। ठीक है, तो मैं ये बहुत ऑनेस्टली मैं ये आगे बढ़ रहा हूँ कि जो लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं मैं उनको जो भी वैल्यू दे सकूँ, जो भी मुझे आता है मेरी नॉलेज है या जो ICICI को के पास नॉलेज है उनको भी पुश करता हूँ ट्रेनिंग्स के लिए। तो जो भी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता हूँ ये मैं ऑनेस्टली कोशिश करता हूँ उन लोगों के लिए। ठीक है, जो लोग मेरे अंडर रजिस्टर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत मतलब बस अकाउंट ओपन करो ट्रेड करो, वैल्यू देना बनता है अगर जो लोग आपके आपसे कनेक्ट हैं, तो वही मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है यार, फीडबैक वगैरह लेता रहता हूँ, ट्रेनिंग का कैसा हुआ सब जो भी है जो आप देखते हो पोल्स में। ठीक है यार, ऑल द बेस्ट आज के लिए, और प्लान क्लियर है, इंट्राडे में कुछ कोई मतलब नहीं है, कुछ खास लगता नहीं मुझे आज। हाँ ये है कि मार्केट फ्राइडे है आज, तो किसी भी दिन अनएक्सपेक्टेडली नीचे जा सकता है, लेकिन चांसेस आज कम लगते हैं। ठीक है, एग्रेसिव पोजीशन बनानी है तो मैं तो बनाऊंगा वही जो मैंने बताया, मार्च एक्सपायरी जनवरी एक्सपायरी दूर का ही, 2-3 महीने का, क्योंकि मेरी कैपिटल बहुत ज़्यादा होती है तो मैं दूर का ही टाइम प्ले करता हूँ। ठीक है, तो वहाँ एग्रेसिव, इंट्राडे में कोई मतलब नहीं दिख रहा आज, कुछ खास एक्शन नहीं होना चाहिए। देखते हैं IT सेक्टर, अगर IT स्टॉक्स ओपन होते से गिरते हैं तो फिर हो सकता है कुछ ट्रेड बने। लाइव मार्केट में जो भी होगा वो YouTube पे अपडेट दे दूंगा। ठीक है, चलो यार।